हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आदि शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 12 कंपेयरिंग क्वांटिटीज स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था। 12.1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, प्लस ये चैप्टर पूरा NCERT से भी अपलोड है, तो आप वहाँ से उसे भी कवर कर सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ए। आप देख लो हर एक पार्ट में आपको एक ए दे रखा है, ये आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे फाइंड, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे लिखते रहो। 8.4%, तो परसेंट हटा के नीचे आ जाएगा 100, पॉइंट हटा के नीचे यहाँ 10 आ गया। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ए ऐसी है। इज का मतलब होता है इज इक्वल्स टू 42 ऐसी। तो ये हो गया 84 अपॉन में 1000 इंटू में ए है यहाँ 42। 1000 को उधर लेके जाऊंगी तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा कि दूसरी साइड पे वो डिवाइड का है। ए की वैल्यू निकालनी है तो 84 मल्टीप्लाई का है ए के साथ, दूसरी साइड आके ये डिवाइड का होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, 84 और 42 ईजिली कट हो रहे हैं, तो मैंने इसको इस पर कट कर दिया है 2 पे, 2 से इसको कट कर दिया 500। तो ए की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 500। क्लियर है। चलिए सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो 0.5% ऑफ ए इज 3, तो 0.5% हटा के 100, पॉइंट हटा के नीचे 10, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ए ऐसी है, इज का मतलब इजिकल टू, जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे पुट करा है बस, और कुछ नहीं किया। तो 5 अपॉन 1000, 5 ए आ जाएगा यहाँ, 1000 वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा, अब 5 उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। इसको इससे काटा 200 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 600। क्लियर है दो पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। 1/2% ऑफ ए इज 50, परसेंट हटा के नीचे 100 आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ए ऐसी है, इसका मतलब इजिकल टू 50 ऐसी है। तो ए अपॉन 200 इज इक्वल टू 50, ए की वैल्यू आ गई 50 इंटू 200 आंसर, ये 2 0। क्लियर है। चलिए एक पार्ट रह गया, फोर्थ पार्ट, उसे भी कर लेते हैं। 100% ऑफ ए इज 100, 100 ऐसी है, परसेंटेज का साइन हटाया नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ए ऐसी है यहाँ 100, ये तो कट गया, ए की वैल्यू सीधा सीधा 100 आ गई है इसमें। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हो गया। डेली बेसिस पे अब आपको आदि शर्मा की वीडियोस मिल रही हैं, कुछ चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उन्हें भी कवर कर लो जल्दी से, एग्जाम टाइम पे फिर एक साथ ये पूरी बुक नहीं हो पाएगी, तो जल्दी जल्दी करते रहिए। कोई और चैप्टर चाहिए या पर्टिकुलर एक्सरसाइज चाहिए कमेंट करके बता दीजिए, आपको वो पहले मिल जाएगी। वीडियोज़ अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक यू।